Hello learner, this is Ankita Shivani and today we are going to discuss about the chapter 1 Interior for class 7. So, आज हम बात करेंगे chapter 1 Interior के बारे में. So basically Interior के बारे में बात करने से पहले और chapter 1 को discuss करने से पहले आज मैं आपको recall कराती हूँ कि हमें आज के session में actually में करना क्या है. आज के session में मुझे क्या करना है, just introduction देना है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का कि इंटीजर क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में. सो आज का आपका जो सेशन रहेगा वो सेशन में मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी कि ये ना प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं ताकि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कैपेबल बने. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है मैंने यहाँ पर कि इंटीजर्स होते क्या हैं एक्चुअली. आप लोगों ने होल नंबर, रियल नंबर इनके बारे में सुना होगा, राइट. होल नंबर लाइक 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा टू द इन्फिनिटी, राइट. तो 0, 1, 2, 3 अप टू 10 अप टू 100 अप टू इन्फिनिटी, राइट. तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट. तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, ओके. जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक. अगर इनके अलावा नंबरों के बारे में बात की जाए तो कुछ हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है -3, -2, -1 अप टू इन्फिनिटी, राइट. तो ये कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं. इन नेगेटिव नंबरों के बारे में बात करें तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, ठीक. और अभी जो मैंने बात करी 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर. सो अगर हम मैं इंटीजर के बारे में बात करूँ, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव नंबर और इंटीजर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड एज एन इंटीजर, ओके. सो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनी, द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड एज एन इंटीजर. ये हो गए हमारे इंटीजर्स, ओके. मैं अब सेकेंड पॉइंट पर मूव आउट करती हूँ. सो 1, 2, 3 आर अ पॉजिटिव इंटीजर. जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि 1, 2, 3 जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके. प्लस साइन आप लगाएं या ना लगाएं, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू राइट एंड प्लस साइन, ओके. प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, बट नेगेटिव साइन लगाना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज यू हैव टू डिनोट दैट द नंबर इज नेगेटिव, राइट. सो अगर आप प्लस नहीं लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव यू हैव टू मैंशन आ नेगेटिव साइन. जैसे कि मैं बात करूँ 1, 2, 3 आर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -3, -2 एंड -1 आर द नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ओके. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव. 0 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक. अब मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ बात करती हूँ. तो अगर आपने इसको देखा है, अगर आप इसको पहचानते हो, तो आपने सिक्स क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी हमारा, तो नंबर लाइन आपने यहाँ देखी है, नंबर लाइन मैंने यहाँ डिनोट की है. अब हम नंबर लाइन के थ्रू भी बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में. तो नंबर लाइन पे आपने देखा है मैंने यहाँ पर 0 डाला, 1, 2, 3 एंड अगर मैं इस साइड गई, लेफ्ट साइड में गई, तो -1, -2, -3. तो ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज कीपिंग इन योर माइंड कि लेफ्ट साइड में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, और वेन वी मूव टू अ पॉजिटिव साइड और अ राइट साइड इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके. सो लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव. Every positive number is greater than the negative number. Always remember that the positive number is always be greater than the negative number. Now moving towards the point number 6. When the two integers of a same sign are added, the resultant have a common sign. इस पॉइंट का मतलब है आप जब भी कोई दो साइन और दो नंबर्स को सेम साइन के ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो सेम साइन का मिलेगा. दैट मीन्स अगर आप दो प्लस साइन को ऐड करते हैं तो यू गेट अ प्लस साइन, और अगर आप दो नेगेटिव साइंस को प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको कॉमन नेगेटिव साइन. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में मैंशन कर रखा है, जैसे कि अगर हम देखते हैं 10 प्लस 3. अब 10 क्या है यहाँ पर, प्लस साइन है, और 3 जो है वो भी प्लस साइन है, ओके. सो 10 प्लस 3 दैट मीन्स रिजल्ट गेट 13. 13 मिला मुझे और वो मिलेगा मुझे प्लस का, क्योंकि यहाँ कॉमन साइन क्या है, प्लस है. और जैसा कि हमने इस प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर दो साइन जो है वो सेम साइन, सेम नंबर, सेम साइन के हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें सेम साइन का मिलेगा, राइट. अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ. ये तो प्लस
प्लस की बात हो गई। अगर अब मैं माइनस की बात करूँ तो माइनस में आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एक नंबर पर माइनस लगा रखा है, सिमिलरली दूसरे नंबर पर भी माइनस साइन लगा रखा है, मतलब कि दोनों नंबर क्या है यहाँ पर मेरे नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव इंटीजर है दोनों के दोनों नंबर, जैसे कि आप 16 माइनस का है और माइनस का ही 4 है। पर आप कहेंगे मैम ये सब्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल नहीं सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये एडिशन होगा। ठीक, क्यों एडिशन होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ माइनस 6 और यहाँ माइनस 4, ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन द माइंड दैट माइनस माइनस यू हैव टू राइट एड, ओके, एंड राइट अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, ये देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ है माइनस 6 और माइनस 4 इक्वल्स टू, दैट मीन्स माइनस का 10, ये देखिए कैसे हुआ, ये प्लस साइन है, हमें पता है यहाँ प्लस हो रहा है। ऑलवेज रिमेम्बर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस साइन और माइनस साइन मतलब माइनस माइनस यू हैव टू एड, ओके, यू हैव टू एड अ नंबर, आपको नंबर को सिर्फ ऐड करना है, राइट। तो हमने नंबर को ऐड किया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 10 आया, बट अब आप बोलेंगे मैम साइन कौन सा आएगा, साइन एग्जैक्टली यहाँ आएगा जो माइनस का, क्योंकि कॉमन साइन के बारे में बात कर रहे थे अभी, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, कॉमन साइन आपको पुट करना है, कॉमन साइन दैट मीन्स माइनस का, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन माइंड दैट द टू नंबर विच हैव अ कॉमन साइन, सो द रिजल्टेंट नंबर ऑल्सो हैव द सेम साइन, ओके। तो ये प्रॉपर्टी सिक्स में थी, ओके। अब मैं बात करती हूँ सेवन्थ नंबर की प्रॉपर्टी को। सो व्हेन द टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन आर एडेड, अगर दो इंटीजर अपोजिट साइन के ऐड कर रहे हैं आप, तो जो साइन मिलेगा आपको वो ग्रेटर नंबर का मिलेगा। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे क्या लिख रखा है मैंने 26 प्लस माइनस का है 33, ओके। 26 क्या है, प्लस का है, माइनस का क्या है, 33 है। आपको करना क्या है, यहाँ एडिशन करना है, बिकॉज एडिशन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैम अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे प्लस करना है सब्ट्रैक्शन करना है, और अगर मुझे पता भी है कि प्लस और सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे कौन सा साइन में पुट करना है। मैं आपकी प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट करती हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमें प्लस को करना ही करना है, राइट। प्लस करना है, यहाँ लगा हुआ है प्लस, आपको प्लस करना है, ठीक। आपने इसको देखा प्लस को, आपने जब से प्लस करा, बट आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको प्लस नहीं करना, आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। हमेशा याद रखिए माइंड में अपने हमेशा सेट कर लीजिए ये चीज़ कि अगर प्लस माइनस तो यू हैव टू डू माइनस, प्लस माइनस दैट मीन्स माइनस। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मोलॉजीज हैं, मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि क्या करना है आपको उनका, ओके। तो प्लस माइनस यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, तो मैंने सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ आ गया 7। बट अब आप बोलेंगे कि मैम साइन कौन सा लगाएं, प्लस या फिर माइनस, आपको चूज करना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। देखिए 26 इज नॉट ग्रेटर, 33 इज ग्रेटर देन 26, तो यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द रिजल्टेंट, आपको रिजल्टेंट के सामने माइनस साइन लगा देना है, ठीक। तो ये हो गई सेवन्थ नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बात, कि मुझे अगर समझ नहीं आए कि कौन सा साइन लगाना है, इसमें से आप क्या करना है, जस्ट नंबर चूज करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक। तो ये है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी। 8 पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इफ ए इज एन इंटीजर, अगर सपोज कीजिए ए कोई इंटीजर है, सो माइनस ए इज एन एडिटिव इनवर्स, आपको क्या करना है, जस्ट जो ए है उसका आपको साइन चेंज कर देना है। अगर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, जो कि आप आगे की एक्सरसाइज में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक। अब मूव करते हैं 9th प्रॉपर्टी की तरफ। हमने अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करी इंटीजर्स की, अब मैं बात करती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में कैसे होता है। गाइस देखिए, सबसे पहले इंटीजर में मैं बात करूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं इसकी डेफिनेशन को छोड़ करके पहले एग्जांपल्स के बारे में बात करती हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 वी गेट 12, जो कि क्या है, साइन देखिए आप इसका, जो कि क्या है, प्लस का है, क्योंकि यहाँ क्या किया मैंने, दो सेम साइन को मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, प्लस।
प्रोडक्ट क्या मिला मुझे, प्लस साइन। ओके, आपको इंटीजर्स चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ साइन के ऊपर फोकस करना है, ठीक। आपको ये नहीं देखना कि मैंने प्लस सही किया या माइनस सही किया या इंटू सही किया है, यू हैव टू फोकस ऑन अ साइन। आपको साइन के ही नंबर मिलेंगे, ठीक। कॉपी चेक करने वाला आपका क्या देखेगा, आपने साइन सही लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट में आपने देखा माइनस साइन, माइनस साइन मतलब आप यहाँ एक नोटिस पॉइंट करिए इसे, नोट पॉइंट में लिखिए इसे कि अगर दो नंबर जिन्हें हम इंटू कर रहे हैं, माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम उसे, तो अगर वो नंबर सेम साइन के हैं, डेट मीन्स माइनस के हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। जैसे कि मैंने 4 × 3 हमें पता है 12 होता है, वी हैव टू राइट एट 12, राइट। बट साइन क्या आएगा, साइन आपका आएगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दैट मीन्स सेम साइन है। आपको यहाँ जैसे कि कर देना है प्लस साइन कर देना है, ओके। प्लस लिखे या ना लिखे इट्स अप टू यू, ओके। अगर यहाँ प्लस होता और इधर भी प्लस होता तो सिंपल है, यहाँ भी प्लस आता, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन योर माइंड दैट इफ यू आर प्रोडक्ट द टू नंबर विच हैव अ सेम साइन, द रिजल्टेंट नंबर ऑल्सो गेट अ सेम साइन और अ कॉमन साइन, ओके। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव, ओके। यही मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करें तो आप इसमें क्या नोट कर रहे हैं, एक साइन, एक नंबर जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है, ठीक, और दूसरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब दो नंबर डिफरेंट साइन के हैं, तो रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे दो नंबर अपोजिट साइन के हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक। तो इंटीजर विद द अपोजिट साइन इज नेगेटिव, ओके। तो माइनस 4 और इंटू करेंगे हम 3 का तो उसे हमें क्या मिलेगा, माइनस का 12। सो गाइज, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है, ठीक। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करनी है आपको वो सब बताऊंगी, ठीक। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।